हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, इधर ईयर रहेगा, तो आप ए लगाएंगे या एन? ठीक है, तो आप फॉर्मूले से भी जान सकते हैं। आप इसको ईयर का पहले लिखेंगे ई, ठीक है, तो ई तो आपका अ में आता है ना, अ से अंत तक में तो ई आता है ना, तो ई जब अ के अंदर ही आता है तो हम लोग उसके साथ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है इसके साथ एन लगाना सही होगा? थोड़ा सोचिए, सही है या नहीं है, आप मुझे अभी कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब बाद में आप चेक करिएगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए, इसके साथ एन लगाना बिल्कुल ही सही नहीं होगा। इसके साथ क्या लगेगा? ए। तो बोलेंगे सर, आपने जो रूल बताया था कि और से एन तक में रहेगा, उसके साथ तो एन ही लगता है, तो ए कैसे आप बोल रहे हैं? तो देखिए, वो जो रूल मैंने आपको बताया था ना, वो आपका 90% काम करता है ना, 90%। देखिए, दुनिया में कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, तो 90% वो रूल जो है वो आपका काम करता है। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, इसके साथ आपको ए लगेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने नीचे में रूल लिख दिया हुआ है। यदि किसी वर्ड का शुरुआत डब्ल्यू या वाई से हो और उससे पहले ए या एन में से कुछ लगाना हो, तो हमेशा ए लगाइए। ठीक है, अब आपको याद रहेगा, अब अगर यहाँ पे कोई भी पूछेगा तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ठीक है, W या Y अगर शुरुआत में रहेगा, उससे पहले आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना होगा, A और N में से, तो आपको हमेशा A का यूज़ करना। ठीक है, पहला आपको पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि PCN यानी क्या चीज़ होगी? आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। आप बोलेंगे मैंने आपको प्लूरल के बारे में बताया हुआ है, क्या होता है? एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा कितना वो पता नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। काउंटेबल क्या होता है आप पूछेंगे, तो देखिए काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। और एबल मतलब होता है योग्य, मतलब जो गिनने के योग्य हो उसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल। मतलब जिसको हम लोग 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल में होगा, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते, जैसे गिन सकने में आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आदमी है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, तब तो आप जनसंख्या बता पाते कि इस देश का जनसंख्या इतना है, तो उसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल में क्या आएगा? ठीक है, अनकाउंटेबल में आपको आ जाएगा, जैसे आपका हो गया पानी, है ना, पानी, मिल्क, जितना भी है, वाटर, मिल्क, जितना भी, वो सब उसको आप गिन नहीं सकते, बस आपको लीटर से आप उसको माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, मापना और गिनना में बहुत फर्क है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखिए काउंटेबल यानी जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब योग्य, जो गिनने के योग्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपका बॉयज रहेगा, ठीक है, तो ये तो आपका देखिए प्लूरल है, एक से ज़्यादा है और काउंटेबल भी है, बॉय को तो आप गिन सकते हैं। लेकिन जब आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो उससे पहले आप ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एप्पल्स भी रहेगा तो भी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर एप्पल रहता तो फिर सही होता, बॉय रहता तो फिर सही रहता। ठीक है, आप ए लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए आप इससे पहले ए आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। बोलेंगे सर, आपने प्रॉपर नाउन तो पढ़ा ही नहीं, नाउन तो पढ़ा ही नहीं, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो देखिए, प्रॉपर नाउन ये होता है जो भी खास नाम होता है ना किसी व्यक्ति का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब बोलेंगे सर प्रॉपर नाउन तो क्या हो गया, मुझे एक बार समझाइए। तो देखिए प्रॉपर नाउन हो गया, जैसे आपका कोई नाम होगा, ठीक है, जैसे राम, मोहन, सोहन, जितना भी है वो सब प्रॉपर हो गया। अब बोलेंगे सर जानवर में, जैसे अगर आप बोलते हैं कुत्ता, तो वो क्या प्रॉपर नाउन होगा? तो देखिए बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कुत्ता बोलते हैं तो किसी एक कुत्ता का बात कर रहे हैं आप? नहीं ना, पूरा प्रजाति का बात हो रहा है वहाँ पे। जैसे आप बोलते हैं शेर, तो पूरा शेर का प्रजाति का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी शेर या फिर उसी कुत्ता या फिर उसी जो भी जानवर है, अगर उसी में अगर आप किसी एक का नाम रख देते हैं, जैसे टोनी वोनी, जो भी कोई नाम अगर आप उसका रख देते हैं, तो वो आपका प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको नाम दे दिया, खास नाम दे दिया, वो एक नाम सिंगल है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए रमन आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इसके साथ आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ज्योति भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस सब बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मेटेरियल नाउन से भी पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। मेटेरियल नाउन क्या होता है? जिसको हम लोग मापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, जैसे मापा या तौला जा सकता है, उसको हम लोग मेटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, ठीक है, ये सब का मेटेरियल नाउन हो गया। तो मिल्क से पहले भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं, और वाटर से भी पहले आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। अगला देखिए,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। अब बोलेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जैसे एयर है, हवा, उसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ भी आप एन या फिर किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब जैसे ऑनेस्टी है, तो आप ईमानदारी को देख लेते हैं क्या? नहीं ना, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। तो उससे पहले भी आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और हाँ, मैं आपको इंस्टाग्राम पे आ गया हूँ, अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम पे है तो मुझे फॉलो कर ले, और मुझसे जो भी बात आप करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और आप मेरी ज़्यादा वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उस बच्चे तक पहुँच पाए जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, जो इंग्लिश सीखना चाहता है वाकई में, और वो पैसे के कारण नहीं सीख पा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, फ़ी देना होता है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, और वहाँ घर बैठे ही वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, वो इंग्लिश में बेटर हो सके, इंग्लिश बोल सके।